हेलो माय डियर व्यूअर्स, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने कॉलेज यानी गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट पटना आगमकुआं। अब हम लोग इंटर करेंगे तो आप लोग देख सकते हो। सो जस्ट आप इधर देखोगे तो आपका NMCH हॉस्पिटल है जस्ट, फिर हमारा यहाँ पर राजकीय फार्मेसी संस्था यानी गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट आगमकुआं पटना साथ है, यानी आपका इससे लास्ट ईयर तक एक ही था जो डी फार्मेसी कराता था, और वी फार्मेसी कराने का दो थे, MIT मुजफ्फरपुर और आपका ये आगमकुआं वाला। तो अब आपके नए कॉलेजेस खुले हैं GPI के नाम से ही, ठीक है। सो ये हमारा कॉलेज हो गया, ये मेन एंट्रेंस हो गया आपका, ठीक है। अभी हम लोग एंटर करेंगे अपने कॉलेज में, ठीक है। देख सकते हो इधर से थोड़ा सा छोटा सा गार्डन, ठीक है। फिर ये एंट्री है आपका। यहाँ पर दो बिल्डिंग्स हैं, ये वाला आपका ओल्ड बिल्डिंग है, जस्ट इसके पीछे वो साइड वाला आप देख सकते हो वो न्यू बिल्डिंग आपका बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कॉलेज का नेम भी है, क्योंकि ये ओल्ड बिल्डिंग है तो थोड़ा सा आपका ये पुराना वाला है बिल्डिंग। जस्ट इसके पीछे आपका हमारा गवर्नमेंट फार्मेसी का आपका हॉस्टल है, और साथ ही साथ आपका गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल दोनों पीछे है जस्ट नया बिल्डिंग के साथ, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि हमारा ऑफिस का ये मेन एंट्रेंस है, अभी हम ऑफिस के अंदर जा रहे हैं आपका, ठीक है। तो यहाँ ऑफिस का मेन एंट्रेंस में हम लोग जा रहे हैं, हमारे सारे प्रिंसिपल के नेम, ठीक है, सारे स्टूडेंट यहाँ वेट कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स का। सो अभी हम लोग हैं आपका सेकंड फ्लोर की ओर जाता है ये सीढ़ियाँ, जहाँ पे आपको लेक्चरल हॉल है सारा न्यू बिल्डिंग का, ये सारा आपका देख सकते हो, ठीक है। सो नीचे आपका ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर है आपका, जो कि लेके जाता है हमें आपका सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे लाइब्रेरीज वगैरह सारे हमारे हॉल हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारा लेक्चर अटेंड होता है, एक साथ सेमिनार्स होते हैं। तो ये पूरा आपका व्यू हो गया, ठीक है। सो आप देख सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पे क्लासेस नहीं चल रहे हैं तो आपको स्टूडेंट्स नीचे वाले फ्लोर पे ही दिखेंगे, आप देख सकते हो पूरा व्यू, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जस्ट आपको हॉस्टल भी लेके चलेंगे। हॉस्टल जैसा कि मैंने कहा था कि जस्ट कॉलेज के पीछे है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हॉस्टल न्यू है आपका, जस्ट क्या कहते हो उसे फ्रेशली मेड है, ठीक है। तो पीछे आप देख सकते हो कि ये हॉस्टल हमारा गर्ल्स हॉस्टल है, उस साइड हमारा बॉयज़ हॉस्टल है, बीच में पुराना वाला हॉस्टल भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये पुराना हॉस्टल्स है, और यहाँ पे हमारा सारा लॉकर्स है, यहाँ पे लॉकर्स हमें मिलता है। कैंपस का सैर कराना अभी आपको मैं लैब्स का सैर कराऊंगा, लाइब्रेरीज तो अभी ओपन नहीं हुई हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग जल्दी आ चुके हैं ब्लॉगिंग करने के लिए, बच्चे सारे नीचे, स्टूडेंट्स सारे नीचे हैं, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स भी नीचे, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल्स चल रहा है। सो प्रैक्टिकल अभी स्टार्ट होने में टाइम है, क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम लोग पहले आ गए हैं ब्लॉगिंग करने के लिए। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गवर्नमेंट हॉस्टल्स में, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल को आपको दिखाएंगे आज हम लोग, ठीक है। तो सो बहुत ही कड़ा धूप है आपका, बहुत ही कड़ा धूप है, और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल आपको दिखाएंगे GPI पटना का। सो उसके तरफ जा रहे हैं, जस्ट हम लोग निकल रहे हैं अपने कॉलेज से बाहर, ठीक है, और ये रास्ता आपको जस्ट इधर जाना है आपको, इस साइड आपको हॉस्टल के लिए, ठीक है। हम लोग निकल रहे हैं, पीछे देख सकते हो हमारे कॉलेज का नेम। सो हम लोग निकल रहे हैं और हॉस्टल की ओर जा रहे हैं, ठीक है। हॉस्टल का कैंपस आपका, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी है, क्योंकि सबसे पुराना कॉलेज है डिप्लोमा इन फार्मेसी का, सो हॉस्टल कॉलेज से भी डबल साइज़ का, यानी बड़ा है। सो क्योंकि ये जो बिल्डिंग देखे थे आप फ्रंट में, वो पुराना वाला था, जस्ट उसके पीछे आपका नया बना, फिर उसके पीछे आपका बॉयज़ और गर्ल्स का हॉस्टल बना। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं आपके हॉस्टल की तरफ। तो ये जो रास्ता आप देख सकते हो ये जाता है हमारे हॉस्टल की तरफ, ठीक है। तो अभी हम लोग हॉस्टल की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो अभी हमारे भी जस्ट सूरज सर ने हमें ज्वाइन किया है, तो सूरज सर एक बार हाय कर दीजिए सारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? चलिए तब सूरज जी, हम और आप मिलकर हमारे स्टूडेंट्स को हमारे कॉलेज का पूरा दर्शन करवाएंगे, साथ ही हॉस्टल भी दिखवाएंगे हम लोग, और बॉयज़ हॉस्टल का बाहर से पूरा लुक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने हॉस्टल की तरफ और देखते हैं हमारे गवर्नमेंट हॉस्टल को, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हो कि ये हमारा कॉलेज है, ठीक है, जस्ट इसके पीछे जैसा मैंने कहा था हॉस्टल, ये आपका गर्ल्स हॉस्टल देख सकते हो, CCTV वगैरह सारा लगा हुआ, सारा फैसिलिटी है आपका, पूरा एकदम सेफ्टी के साथ आपका, ठीक है। देख सकते हो आप कि यहाँ पर आपका ये बी फार्म और डी फार्म के लिए गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है। ये गर्ल्स हॉस्टल अभी बंद है, क्योंकि अलॉट नहीं हुआ है अभी, तो ये अभी क्लोज है, ठीक है। देख सकते हो ये आपका गर्ल्स हॉस्टल बी फार्म एंड डी फार्म के लिए, ठीक है। सो ये आपका गर्ल्स हॉस्टल हो गया, अभी हम लोग चलेंगे आपके बॉयज़ हॉस्टल की तरफ, ठीक है। ये आपका जस्ट रोड से थोड़ी दूरी पे है, जस्ट गर्ल्स हॉस्टल के बगल में आप देख सकते हो कि BSC नर्सिंग कॉलेज पटना भी है, ठीक है, यानी पटना का BSC नर्सिंग कॉलेज भी है, जस्ट इसके पीछे आपको हॉस्टल्स भी है, ठीक है। तो ये आपका BSC नर्सिंग का हो गया, ठीक है।
अब हम लोग बॉयज़ हॉस्टल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो बॉयज़ हॉस्टल के लिए आपका ये सेपरेट गेट है, ठीक है, अलग से, जो कि बॉयज़ हॉस्टल की ओर जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी जा चुके हैं अपने बॉयज़ हॉस्टल में। तो ये आप देख सकते हो, ये पुराना वाला हॉस्टल था जो कि सिर्फ बॉयज़ के लिए था, ठीक है। तो ये बॉयज़ का आपका पुराना हॉस्टल है, बॉयज़ का नया हॉस्टल आप जस्ट इसके पीछे देख सकते हो, ये जस्ट डिमोलिश होगा आपका, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ। सो ये हम लोग आ चुके हैं अपने बॉयज़ हॉस्टल जो न्यू बना है, ठीक है। तो ये आपका न्यू हॉस्टल है और सामने आप देख सकते हो वो आपका NMCH का टेस्टिंग सेंटर है, यानी टेस्ट होता है वहाँ पे, सारे जितने भी टेस्ट लिखे जाते हैं वो आपका वहाँ होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बॉयज़ हॉस्टल है, ये भी आपका बंद पड़ा हुआ है क्योंकि अभी अलाउ नहीं हुआ है, इसलिए कि ये क्लोज्ड है, ठीक है। तो बॉयज़ हॉस्टल का आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं कुछ पिक्चर्स भी डाल दूंगा, कैमरा भी पूरा लगा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा व्यू हो गया, ठीक। तो ये आपका देख सकते हो कैंपस, और ये बीच वाला हॉस्टल पुराना है, बहुत पुराना है, तो वो आपका डिमोलिश होगा, यानी उसको तोड़ा जाएगा। तो ये जिसमें अलॉट होंगे बच्चे, इसमें जाएंगे तो वो वाला आपका तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा व्यू हो गया। सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, ये हमारे कॉलेज का एक व्यू है हमारे लैब का, ठीक है। क्योंकि अभी जस्ट एक हमारा प्रैक्टिकल एंड हुआ है, तो अभी जस्ट एक ब्रेक में हम लोग जस्ट रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट एक आवर में हमारे एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल है जो कि शेड्यूल्ड है। सो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं और प्रैक्टिकल्स हमारे होंगे। सो जस्ट आपको एक इन्फॉर्म करने के लिए एक व्यू दिखाने के लिए ऑफ आवर कॉलेज प्रैक्टिकल लैब। आने की हो आस पास, कोई अरमा हो जो खास खास आशा है। अब हमारा सभी फ्रेंड्स हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं।